समदौर के लोग एक साथ आ जाए तो क्या नहीं कर सकते। करोले की जीएसएस कॉलोनी जो गंदगी व रोड नहीं होने की वजह से वहाँ के स्थानीय लोग बहुत परेशान हो रहे थे। एक दिन स्थानीय लोगों ने समझौता किया और एक फंड एकत्रित किया। फंड एकत्रित करके आज उन्होंने एक रोड सक्षम रोड तैयार करी है जिससे कॉलोनी वासियों को कितनी सुविधाएं उपलब्ध हुई है। कीचड़ की दिक्कत थी इसमें कॉलोनी में और आने जाने में भी परेशानी रहती थी। गिट्टी वगैरह ये नहीं थी और बरसात के दिनों में बहुत परेशानी आती थी। रोड बनने से आपको क्या बेनिफिट होने लगा? रोड बनने से आराम से कोई दिक्कत नहीं है मतलब, और अपने घर पहुंच जावे, वैसे खर्चा वच्चा आते बचावे। वो हमने यहाँ पर यहाँ की नगर पालिका के लोग बहुत से मिले। एक बार रानी साहब वो भी आई थी, उन्होंने हमने उनसे कहा था, उन्होंने एक बार बजट की यहाँ पर घोषणा भी कर दी हमने तुम्हें यहाँ से यहाँ तक की सड़क के लिए दे दी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर अब एट लास्ट में हम सब लोगों ने पैसे 100-100 रुपये 200 रुपये इकट्ठे करे, सब अंतर हमने रोड लाइन लगानी, सब उनमें स्विच ऑफ ये बल्ब भी डाले वाले हैं इस तरह की, ये भी पर्सनली दिए पर्सनली। फिर बाद में सबसे हमने क्या है कि 5,000-5,000 रुपये कलेक्शन करा। इसका लेवल बहुत नीचे हो गया था, तो पहले तो हमने यहाँ गिट्टियाँ डालवाई। गिट्टियाँ डालवाने के बाद क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा था नहीं, सब ने हमने पर्टिकुलर रूप में प्रत्येक बच्चा लेडीज और सब ने हम लोगों ने कोई लेबर नहीं लगाई, हमने यहाँ पर मेहनत करके इसको सबको लेबर करा। जो समाज से हमने पैसे की बात की तो समाज के लोगों ने क्या कमेंट किए? समाज के लोगों ने पैसा मतलब उन्होंने कहा कि आप अभी भी हमारे यहाँ से इतने हैं पैसे वैसे भी कि हमारे पैसे कितना लग जाए, हमारा कितना भी सहयोग, पर हमारी आवागमन की सुविधा हो जाए। किसी ने हमारे यहाँ सब ने एक सा ही कंट्रीब्यूशन करा, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं माना। बार आशा करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, इसलिए हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। जीएसएस कॉलोनी निवासियों ने यह साबित कर दिखाया कि कम्युनिटी चाहे तो बदलाव ला सकती है। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।